आज हम डिस्कशन करेंगे जावा के लेटेस्ट रिलीज जेडीके 15 और ओपन जेडीके 15 के बारे में। साथ साथ हम सीखेंगे कि कैसे नया फीचर यूज कर सकते हैं टेक्स्ट ब्लॉक्स का। जावा 15 कब रिलीज हुआ? तो ये रिलीज हुआ 15 सितंबर 2020। ये एक लॉन्ग टर्म रिलीज है। अब हम क्या डाउनलोड करें, ओरेकल जावा एसई 15 या ओपन जेडीके 15? ओरेकल जेडीके जो है वो कस्टमर्स के लिए भी है, साथ साथ आप इसके थ्रू डेवलपमेंट भी कर सकते हैं, टेस्टिंग प्रोटोटाइपिंग भी कर सकते हैं और अपने एप्लीकेशन को डेमोन्स्ट्रेट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फ्री जेडीके चाहते हो तो उसके लिए ओपन जेडीके, जिसमें सेम वही फीचर्स और परफॉर्मेंस है जो ओरेकल जेडीके देता है, लेकिन ये एक जनरल पब्लिक लाइसेंस है। अब कहाँ से डाउनलोड करें? तो ओरेकल जेडीके डाउनलोड करने के लिए दो लिंक है, oracle.com जावा टेक्नोलॉजीज जावा से डाउनलोड्स और साथ साथ developer.oracle.com/java। ओपन जेडीके के लिए jdk.java.net/15। तो मैंने ओपन किया हुआ है oracle.com जावा टेक्नोलॉजीज जावा 15। अब यहां पर मैं डाउनलोड्स पे क्लिक किया, यहां पे जेडीके डाउनलोड ऑप्शन आ चुका है। यहां पे लाइसेंसिंग पॉलिसीज आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे लाइनिक्स मैक विंडोज सभी के लिए ऑप्शन अवेलेबल है। अब सोच रहे कि हम कौन सी फाइल डाउनलोड करें, जेडीके डाउनलोड करना चाहते हैं विंडोज के लिए, दो ऑप्शन हैं, या तो इंस्टॉलर फाइल .exe या जिप फाइल जिसे आप डायरेक्टली अनजिप कर सकते हैं। ओपन जेडीके के लिए आप जेडीके 15 विंडोज x64 bin.zip को डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम ओपन जेडीके की वेबसाइट को भी ओपन कर लेते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे हमें ऑप्शंस मिल रहे हैं लिनक्स के लिए, मैक के लिए, विंडोज के लिए। मैं यहाँ पे विंडोज के लिए जिप फाइल को क्लिक करता हूँ। आप देखते हैं यहाँ पे डाउनलोडिंग शुरू हो चुकी है। यहाँ पे हम इंस्टॉलर को भी डाउनलोड कर सकते हैं और जिप फाइल को भी डाउनलोड कर सकते हैं। लाइसेंस एग्रीमेंट हमें एक्सेप्ट करना होगा और डाउनलोड पे क्लिक करना होगा। इसी तरह से आप जिप फाइल को भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब ऑप्शंस लिनक्स और मैक के लिए भी है, आप उनको भी यूज कर सकते हैं। अब इंस्टॉलेशन कैसे करना है, एक बार जब डाउनलोड कंप्लीट हो जाए तो जीडीके 15 विंडोज x64 बिन को हमें राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर लेना है और जो जो इंस्ट्रक्शन है उनको फॉलो करते जाना है, जैसे इंस्टॉलेशन लोकेशन। तो शुरुआत हम करते हैं exe फाइल के साथ कि exe फाइल को कैसे इंस्टॉल करना है। तो डाउनलोडिंग मैंने आपके लिए किया हुआ है, हमें इस फाइल को सिलेक्ट करना है और राइट क्लिक करके कहना है रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। हमें वेलकम स्क्रीन मिल गई है, हमें नेक्स्ट पे क्लिक करना है। हमसे पूछा जा रहा है इंस्टॉलेशन लोकेशन, हमें रिकमेंड किया जाता है कि हम कभी भी ऐसी लोकेशन में इंस्टॉल ना करें जहां पे बीच में स्पेस आती है, जैसे प्रोग्राम फाइल। तो मैं चेंज बटन पे क्लिक कर रहा हूं और यहां मैं दे रहा हूं C:JDK15। आप कुछ और भी नाम दे सकते हैं या कोई और ड्राइव भी ले सकते हैं, जैसे डी ड्राइव या ई ड्राइव। तो यहां मैं सी ड्राइव इंस्टॉल कर लेता हूं और ओके और नेक्स्ट। इंस्टॉलेशन शुरू हो चुका है। अभी फाइल्स एक्सट्रैक्ट हो रही हैं। अब इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, इसे क्लोज कर सकते हैं। अब हम सीखना चाहेंगे कि कैसे हम जिप फाइल्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मेरे पास जेडीके 15 का भी जिप फाइल है, ओपन जेडीके 15 का भी जिप फाइल है। दोनों को इंस्टॉल करने का तरीका सेम है, आप कोई भी अनजिप यूटिलिटी यूज कर सकते हैं। जैसे मेरे पास 7-zip है, इसे आप इसे ओपन कर लेंगे और इसे एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। जब एक्सट्रैक्ट करेंगे तो आपसे लोकेशन पूछेगा, तो आप सी ड्राइव या डी ड्राइव या जहां भी आप एक्सट्रैक्ट करना चाहें कर सकते हैं। जैसे इसे मैं एक्सट्रैक्ट लेता हूं डी ड्राइव में, वहां पे हमें जेडीके डैश 15 नाम का फोल्डर मिल जाएगा। तो ये जिप फाइल एक्सट्रैक्ट हो गई। इसी तरह से हम चाहें
तो ओपन जेडीके को भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अगेन हमने इसे ओपन कर लिया 7-zip या किसी और यूटिलिटी के थ्रू। हमसे पूछेगा इसे कहाँ एक्सट्रैक्ट करना है, तो आप अगेन सी ड्राइव या डी ड्राइव या जो भी ड्राइव आप एक्सट्रैक्ट करना चाहें कर सकते हैं। इसको मैं ई ड्राइव में एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे भी जेडीके डैश 15 फोल्डर बन जाएगा। आप कोई भी यूज करें, चाहे ओरिकल जेडीके चाहे ओपन जेडीके, सेव करने का, कंपाइल करने का, रन करने का तरीका हमेशा सेम रहेगा। अब जेडीके 15 में नया क्या है, यहाँ पे कंसेप्ट है सील्ड क्लासेस का, जो कि प्रीव्यू फीचर है, हिडन क्लासेस, इंस्टेंस ऑफ में पैटर्न मैचिंग, टेक्स्ट बॉक्स और रिकॉर्ड्स का कंसेप्ट जो कि प्रीव्यू फीचर है। मैंने पहले भी आप लोगों के लिए कुछ वीडियोस बनाए हैं जिनके मैंने आपको लिंक दिए हुए हैं, आप चाहें तो इन वीडियोस को भी देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए कवर करूंगा एक तो हेलो वर्ल्ड एग्जाम्पल जो कि बिगनर्स के लिए मैंने बनाया है, जिससे कि आप चेक कर पाए कि जेडीके प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं। सेकेंड, मैं आप लोगों को इस वीडियो में सिखाना चाहूंगा टेक्स्ट बॉक्स का कंसेप्ट, जो कि जावा 15 में नया फीचर है। अब इस प्रोग्राम को डिजाइन करने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, जेडीके 15 इंस्टॉल होना चाहिए, कोई भी टेक्स्ट एडिटर आप यूज कर सकते हैं। अब राइट सेव कंपाइल रन कैसे करेंगे, तो पहले मैं प्रोग्राम को टाइप करूंगा और सेव करूंगा सी कॉलन जेडीके 15 बिन में, या आप चाहें तो सी कॉलन जेडीके डैश 15 बिन में भी सेव कर सकते हैं अगर आपने ओपन जेडीके इंस्टॉल किया है। हम कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे स्टार्ट रन सीएमडी और लिखेंगे सीडी जेडीके 15 बिन या फिर सी कॉलन जेडीके डैश 15 बिन। कंपाइल करेंगे हम जावा सी फाइल नेम डॉट जावा से, रन करेंगे जावा और फिर प्रोग्राम का नाम। तो अब हम प्रोग्राम लिखना शुरू करते हैं। मैंने कहा पब्लिक क्लास हेलो वर्ल्ड एग्जाम्पल, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग एआरजीएस, ये एरे के सिंबल को रिप्रेजेंट करता है। अब ये सिंबल हम यहां भी लगा सकते हैं, यहां भी लगा सकते हैं, या चाहें तो ट्रिपल डॉट भी लगा सकते हैं, जिसको हम कहते हैं पैरामेट्रिक एरे। अब हमें ब्रैकेट्स क्लोज करने होंगे, तो ये मेन की क्लोजिंग हो गई, ये क्लास की क्लोजिंग। अब आप लोगों के लिए मैं एक मैसेज शो करना चाहता हूं जिसके लिए लिख रहा हूं सिस्टम आउट डॉट प्रिंट, या हम प्रिंटर भी लगा सकते हैं हेलो वर्ल्ड। जावा केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो आपको केस का ध्यान रखना होगा। स्ट्रिंग का एस कैपिटल है, सिस्टम का एस कैपिटल है। यहां मैं फॉलो कर रहा हूं पास्कल केस नोटेशन, हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल। प्रिंटलिन में एलिन का मतलब है लाइन चेंज। एट द एंड अगर हम चाहें कि लाइन चेंज ना हो तो हम सिंपली प्रिंट भी लगा सकते हैं। तो ये प्रोग्राम तैयार हो चुका है, अब इसे सेव करना होगा। जावा में फाइल इन पब्लिक क्लास के नेम जैसा होता है, तो मैं सी ड्राइव में जेडीके 15 में से सेव करना चाहता हूं बिन फोल्डर के अंदर। फाइल इन पब्लिक क्लास के नेम जैसा होना चाहिए, तो उसका हम नाम दे रहे हैं हेलो वर्ल्ड डॉट जावा। यहां से ऑल फाइल्स, एनकोडिंग एएमएसआई और सेव। एक बार जब सेव हो जाए तो हमें स्टार्ट में जाना होगा, रन में ऑप्शन में लेना होगा सीएमडी, जिस ड्राइव में इंस्टॉल किया, जैसे सीडी जेडीके 15 बिन। अगर आपने जेडीके डैश 15 यूज किया है तो जेडीके डैश 15, या जहां भी आपने इंस्टॉल किया हो जेडीके 15 और फिर बिन। अब इसे कंपाइल कर लेते हैं जावा सी हेलो वर्ल्ड। और फिर जावा और फिर हेलो वर्ल्ड, तो हमें मिल रहा है हेलो वर्ल्ड और आप देख सकते हैं लाइन चेंज हो गया और हमें अगली लाइन में मिल रहा है वेलकम इन जावा 15। यही प्रोग्राम अगर हम चाहते तो ओपन जेडीके में भी सेव कर सकते थे। तो इसको मैं सेव करता हूं फाइल देन सेव एज।
डी ड्राइव में सेव कर लेते हैं, जीडी के डैश 15 बिन में। आप पर एक वीडियो देख सकते हैं सेटिंग द पाथ। आपने अगर एक बार पाथ सेट कर लिया तो अपना खुद का फोल्डर बना के भी सेव कर सकते हैं। यहाँ से ऑल फाइल्स, यहाँ से एनएसआई और सेव। हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक और रन। यहाँ से सीएमडी। अब क्योंकि मैंने डीकॉन से इंस्टॉल किया, हम डीकॉन में आ गए और यहाँ लिखेंगे सीडी की जेडीके डैश 15 बिन। कंपाइल करने के लिए जावा सी हेलो वर्ल्ड, जैसा कि हमने ओरेकल जेडीके के फॉर्म में देखा था। अब रन करने के लिए जावा और फिर हेलो वर्ल्ड। तो अगेन ये प्रोग्राम हमें सेम रिजल्ट देगा। अब जैसे ओपन जेडीके मैंने ई ड्राइव में कॉपी किया है तो ओपन जेडीके में भी इसे रन करके देख सकते हैं। सभी में हमें सेम वैसे ही रिजल्ट मिलेगा। कुछ सिस्टम में ऑल फाइल्स ना करने से अपनी तरफ से डॉट टीएक्सटी लग जाता है, इस कारण से हमें ऑल फाइल्स लेना चाहिए। फिर से कंपाइल कर लेते हैं जावा सी हेलो वर्ल्ड और रन कर लेते हैं जावा हेलो वर्ल्ड। अगेन वी आर गेटिंग द सेम रिजल्ट। अब हम आज के अगले एग्जांपल पे आना चाहेंगे जो है कंसेप्ट ऑफ टेक्स्ट ब्लॉक। तो मैं आप लोगों के लिए प्रोग्राम बना रहा हूं पब्लिक क्लास टेक्स्ट ब्लॉक, हमेशा की तरह मेन फंक्शन। अब पहले विदाउट टेक्स्ट ब्लॉक्स दिख रहे हैं कि पहले मुझसे कैसे अचीव करते थे मल्टीलाइन टेक्स्ट के लिए। तुम कुछ ऐसा करते थे, स्ट्रिंग मैसेज वन इक्वल टू वेलकम फिर प्लस का साइन, जर्नी हम अगली लाइन में लिखे हैं, लेकिन मैं कुछ हिस्सों से समझाना चाह रहा हूं। इन जावा 15 अब यही चीज हम विथ टेक्स्ट ब्लॉक कैसे कर सकते हैं। स्ट्रिंग मैसेज टू इक्वल टू यहां पे ट्रिपल डबल कोट्स जो कि रिप्रेजेंट करता है स्टार्ट ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स। अब जो भी आप लिखना चाहें, जैसे यहां लिखना चाहता हूं मैं वेलकम इन जावा 15। यहां पर मैं स्लैश लगाने की जरूरत नहीं है, स्लैश इन हमारा सिस्टम ऑटोमेटिक ले लेगा और ये जो एंडिंग ट्रिपल कोट है वो आप नेक्स्ट लाइन में भी दे सकते हैं या चाहें तो यहां भी दे सकते थे और सेमीकोलन। अब हम दोनों मैसेज को प्रिंट करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। जो भी मैसेज वन था साथ साथ हम मैसेज टू को भी शो करना चाहेंगे। अब ये मेन फंक्शन की क्लोजिंग हो गई, ये क्लास की क्लोजिंग। हमें इसे सेव करना होगा टेक्स्ट ब्लॉक्स नाम से। सेव हमने ऑप्शन लिया और इसको सेव लेते हैं टेक्स्ट ब्लॉक नाम से। इससे मैं सी को जेडी के बिन में सेव कर रहा हूं टेक्स्ट ब्लॉक नाम से डॉट जावा। यहां से ऑल फाइल्स एनएसआई और सेव। प्रोग्राम सेव हो चुका है, कंपाइल कर लेते हैं जावा सी टेक्स्ट ब्लॉक और रन करते हैं जावा और टेक्स्ट ब्लॉक। देख सकती है पहला स्ट्रिंग था विदाउट टेक्स्ट ब्लॉक्स के, लेकिन वही हमने अचीव किया
विथ टेक्स्ट ब्लॉक्स। तो फ्यूचर में आपको जब भी लगे कि कुछ HTML टेक्स्ट लिखना है, या अगर आपको कोई SQL क्वेरीज रिप्रेजेंट करनी हो, या लॉन्ग मैसेजेस शो करने हो, तो उन सबके लिए आप टेक्स्ट ब्लॉक्स के कंसेप्ट को यूज कर सकते हैं। अब जो टेक्स्ट ब्लॉक्स का हमने प्रोग्राम बनाया है, उसको भी हम चाहें तो ओपन JDK की मदद से रन कर सकते हैं। eDrive JDK 15 bin textblock.java, यहां से हमने कहा ऑल फाइल्स ऑफिस सेव, इसे कंपाइल कर लेते हैं। जावा सी टेक्स्ट ब्लॉक, अगेन हम इसे रन कर सकते हैं। तो कंक्लूजन निकला कि हम ओरेकल JDK यूज करें या ओपन JDK, प्रोग्राम दोनों केसेस में सेम वैसा ही डिजाइन होगा, वैसे ही कंपाइल और रन होगा। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद हो तो प्लीज सब्सक्राइब शेयर और लाइक कीजिएगा। शुक्रिया दोस्तों।